बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन से दुनिया तक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। नाज़रीन, नए इस्लामी साल का आगाज़ हो गया और इस नए इस्लामी साल के साथ उस वाक़े की भी याद ताज़ा हो गई कि जिसकी बदौलत आज दीन ज़िंदा है, आज इस्लाम ज़िंदा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घराने की कुर्बानी की याद ताज़ा हो गई जिसमें 70 साल के बूढ़े से लेकर 6 माह तक का बच्चा शहीद किया गया। वाकया करबला एक ऐसा वाकया कि दीन में, दुनिया में हमें उसकी, उस वाकये की, उस एसार की, उस जज्बा शहादत की कोई नज़ीर नहीं मिलती। वाकया करबला एक ऐसा वाकया कि जिसमें नवासे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का घराना शहीद कर दिया गया। दीन और दुनिया के हवाले से हक और बातिल की जंग, जो कि हक जीत गया, बातिल हार गया। नाज़रीन, अगर हम वाकया करबला के गहराई में जाएं, अगर हम इस वाकये की गहराई में जाएं, तो हमें ये पता चलता है कि किस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बातिल के सामने घुटने टेकना गवारा नहीं किया, बातिल को मात देकर हक के आगे डट के खड़े रहे, अपने घराने को शहीद होने के लिए, अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए छोड़ दिया। ये तो बहुत ही पहले ही आया था, बहुत ही पहले ही ये बात तो आया हो चुकी थी कि वाकया करबला रोनुमा होगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद किए जाएंगे, उनका घराना शहीद कर दिया जाएगा, क्योंकि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक ये पैगाम लाए थे, और हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं, इमाम हुसैन का गला चूमने लगे और कहा कि एक ऐसा वक्त आएगा कि करबला के मैदान में मेरे हुसैन के गले पर तलवारें चलाई जाएंगी। नाज़रीन, अगर हम वाकया करबला की गहराई में मज़ीद जाएं, तो हमें ये भी पता चलता है कि इसमें ख़वातीन का बहुत बड़ा किरदार था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आशूर की शब खैमों का जायज़ा लेने लगे, तो एक खैमे की तरफ बढ़े जहां ज़ैनब कुबरा तमाम छोटे बच्चों को इकट्ठा किए बैठी थी और ये कह रही थी कि कल आले मोहम्मद की कुर्बानी का दिन है, तुम हैदर कर्रार के नवासे जाफर तैयार के पोते हो, पीठ ना दिखाना मैदान में जाने से। अगले खैमे की तरफ बढ़े तो जनाबे उम्मे लैला शमा की रोशनी में 18 साल अली अकबर का चेहरा देख रही थी और कह रही थी कि कल आले मोहम्मद की कुर्बानी का दिन है, अली की बेटियों के सामने मुझे शर्मिंदा ना करना। अगले खैमे की जानिब बढ़े तो जनाबे उम्मे फरवा बेवा हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थी और 13 साल बेटे से कह रही थी कि कल आले मोहम्मद की कुर्बानी का दिन है, अली की बेटियों के सामने मुझे शर्मिंदा ना करना। ये वो जज्बा एहसार था, ये वो जज्बा राह खुदा में शहादत का एक जज्बा था जो उन बीबियों ने कूट कूट कर अपने बच्चों के दिल में भरा था, और वह बच्चे भी कैसे बच्चे कि 18 साल के अली अकबर से लेकर 6 माह के अली असगर तक शहीद होने के लिए निकल पड़े, राह खुदा में हक की खातिर शहीद होने निकल पड़े, और उसी कुर्बानी की खातिर, उसी कुर्बानी की वजह से आज इस्लाम ज़िंदा है, आज दीन ज़िंदा है, आज हक ज़िंदा है और बातिल को मात है। करबला के हवाले से, वाकई करबला के हवाले से हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज के हमारे मेहमान खुसूसी मौजूद हैं जनाब अल्लामा कलीम अहमद शाह साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम में आने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे लेकिन कलाम पाक से, अल्लामा कलीम अहमद शाह साहब से मैं गुजारिश करूँगी कि वह प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। सल्लल्लाहु अलैहिक या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह,
जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के लां जादिन दगी मदीने से झोंके हवा के लां शायद हुजूर हम से खफा है मना गिला कुछ हम भी अपना चेहरा ए बातिन संवार ले अरे बूबकर से कुछ आईने इश्को वफा गिला दुनिया बहुत ही तंग मुसलमान पे हो गई फारूक के जमाने का नक्शा उठा गिला महरूम कर दिया हमें जिससे निगाह ने उस्मान से वो जाविये शर्मो हया गिला और आज का प्रोग्राम जिस हवाले से हमारी होस्ट बेटी ने बहुत खूबसूरत करबला वालों के हवाले से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से बड़ी प्यारी गुफ्तगू इब्तदाइया में फरमाई मैं ये शेर उनकी नज़र करता हूँ बिलखसूस इमाम अली मकाम और आप यकीनन इसमें से हज़ लेंगे और ये जचता भी है आज के मौजू के हिसाब से कि बातिल से दब रही है फिर उम्मत रसूल की मंजर जरा हुसैन से फिर करबो बला किला मंजर जरा हुसैन से फिर करबो सुभान अल्लाह बहुत ही प्यारा कलाम पेश किया आपने इब्तदा ही इतनी माशाल्लाह खूबसूरत की आपने लेकिन हम सफ़र करबला की इब्तदा के हवाले से भी बात करेंगे किन वजूहात की बिना पर सफ़र करबला की इब्तदा हुई और किस सन हिजरी में हुई किस तारीख़ पे हुई और क्या ऐसी वजूहात थी कि इमाम आले मकाम अपना तमाम घराना लेकर जो है वो करबला की जानिब चल पड़े माशाअल्लाह जी बिहम्दिल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह वाला आलिका व सहाबिका अहले बैतिका अज़वाजिका व औलादिका व इत्रतिका या रहमतुलिल आलमीन रब्बि शरहली सदरी व यस्सरली व अमरी व अहलुल उक्तत मिन लिसानी यफ़क़हु कौली ली हमसतुन उत्फी बिहा हर वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा अबनाहुमा वल फातिमा मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज सूरा फातिहा
جو ہم روزانہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس کی غالباً پانچویں آیت ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ میں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، تو ساتھ ہی جواب آتا ہے کہ صراط الذین انعمت، جن پہ میرا انعام ہوا، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، جن پہ میرا انعام ہوا ان کا راستہ میرا راستہ ہے. بے شک. اور بہترین تفسیر قرآن پاک کی یہ ہوتی ہے اگر تفسیر بالقرآن سے قرآن پاک کی جائے. سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ ہے، اسی کی تائید میں میں عرض کرتا ہوں کہ انعم اللہ والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار طبقے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ یہ انعام یافتگان بندگان خدا ہے. بے شک. سب سے پہلے انبیاء، اس کے بعد صدیقین، پھر شہداء، اور پھر بیٹے صالحین. یہ چار طبقے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بتا دیا کہ یہ میرے انعام یافتگان بندگان خدا ہے. اب دیکھیں جس طرح کسی بھی ہستی کو کبھی کوئی مقام نہیں ملا جب تک انہوں نے قربانیاں نہیں دی. قربانیاں سب سے زیادہ ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قربانیاں دی، چونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ کے محبوب ہونے کے ناطے بیٹے تمام انبیاء کی قربانیوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو حضور پاک فرماتے ہیں جو مجھ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تکالیف آئی ہیں وہ سارے انبیاء پہ مل کر نہیں آئیں. بے شک. چونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں اور محبوبوں کو ہی آزمایا جاتا ہے. بے شک. اللہ محبوبوں کو ہی آزمایا جاتا ہے، ورنہ غیر محبوب کو نہیں آزمایا جاتا. تو میں اپنی بات کا آغاز اسی پرائے میں کروں گا کہ جب آپ نے ابھی تھوڑی دیر ابتدائیہ میں ایک جملہ کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور جبرائیل امین نے تو ساری کربلا کی، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبریں پہلے سے ہی بتا رکھی تھی، اور آپ جب بوسہ لیتے تو امام حسین علیہ کی گردن سے بوسہ لیتے، چونکہ یہی تلوار چلی تھی. بے شک. تو جب بوسہ لیتے تو بوسہ لینے کا معنی ہوتا، حضور پاک کے ہر فعل کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، ہر فعل کا آپ کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا. امام حسن مجتبیٰ ان کے آپ ہونٹوں سے بوسہ لیتے چونکہ آپ کو زہر دیا گیا. بے شک. تو یہ نشانی تھی، اور امام حسین علیہ السلام کی گردن سے بوسہ لیتے تاکہ یہ اشارہ تھا کہ بیٹے یہاں سے آپ کے سر قلم کیا جائے گا. بے شک. تو آپ نے واقعہ کربلا کی نشانیاں بتائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، پھر آگے چل کے ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے کہ یہ جو محبوب ہستیاں ہیں ان کو جب تکلیفیں آتی ہیں تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ انبیاء کو تکلیفیں، پھر حضور پاک کے جو محبوب ہیں. دیکھیں سب سے پہلے اللہ کے محبوب ہوئے حضور پاک. بے شک. بے شک. اور حضور پاک کے بھی تو کوئی محبوب ہیں، وہ ہیں امام حسین علیہ السلام اور حسنین کریمین شہزادے شہزادیاں، اور آپ کی لخت جگر سیدہ پاک بی بی سیدہ کائنات جو سردار ہیں عورتوں کی، جنت کی سردار. بے شک. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی محبت کا مرکز سیدہ کائنات ہے، اور آپ نے ان کو اتنی محبت دی، اتنی توجہ دی، اور ایسا تیار کیا کہ آپ کو پتا تھا کہ میری یہ صاحبزادی ایسے بیٹوں کو آگے تربیت کرے گی، اور وہ تربیت کر کے پھر ان کو ایسا جوان مرد بنائے گی جو میدان کارزار میں جب اتریں گے تو کسی مقام پہ یہ ڈھولیں گے نہیں. بے شک. یہ تربیت تھی اور یہ محبت تھی جو حضور پاک نے اپنی لخت جگر کو عطا فرمائی، پھر انہوں نے آگے ایسی تربیت اپنے بچوں کی فرمائی، ایسی تربیت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس دور کی ماؤں کو بھی ایسی ہی تربیت اپنے بچوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی. آمین. بے شک. سفر کربلا کا آغاز کس طرح سے ہوا ہم نے اس پر جو ہے وہ بات کی. جی جی. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شہادتیں تو یوں بھی تاریخ میں بہت ہیں لیکن شہادتیں کربلا میں جو ہوئیں ہمیں اس کی نظیر نہیں ملتی تاریخ میں، تو
किस तरह से सफ़र करबला की वजूहात थी और किस तरह से हमें ये सबक मिलता है कि किस तरह से शहादतें जो हुई उसकी तारीख में नज़ीर नहीं मिलती, ये क्यों कहा जाता है? देखिए, सबसे पहले ये है कि शहादतें तो बड़ी बड़ी शहादतें हुई, इस शहादत को जो मकाम और मर्तबा मिला, देखिए हर शहीद की शहादत पर अल्लाह तबारक व तआला इकहास अपने तजल्ली फरमाते हैं, कहते हैं कि शहीद को एक चींटी के कांटे की भी तकलीफ नहीं होती जब उसकी जान निकलती है। ये तो आपने सुन रखा है बेशक, कि शहीद को एक चींटी के कांटे की तकलीफ नहीं पहुंचती जब तलवार चलती है, जब गोली चलती है तो उसे इतनी भी तकलीफ नहीं होती, लेकिन अगर उसकी नीयत ये है कि मैं अल्लाह की राह में अपनी जान जाने आफरी को कुर्बान कर दूं, अगर ये नीयत है, क्योंकि डिपेंड करता है नीयत पे, बेशक आमाल का दारोमदार नीयतों पर, माशाल्लाह इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक। तो हर शहादत पे अल्लाह तबारक व तआला तजलियां अता फरमाते हैं और सिफाती तजलियां अता फरमाते हैं, कहीं मलाइका की ज़ियारतें होती हैं, हर शहीद को अलग अलग रुतबे मिलते हैं, बेशक। लेकिन ये शहादत जो है इमाम अली मकाम की कुर्बान जाएं, इसमें बड़ी खूबसूरत आपने बात कही कि इस शहादत को रुतबा क्यों इतना ज़्यादा मिला, और इलामा इकबाल भी कहते हैं कि इंसान को ज़रा बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी कि हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन, बेशक। देखे ना कि हर कौम और पुकार रही है, आज तो गैर मुस्लिम भी कह रहे हैं, हिंदू भी कह रहे हैं कि अगर बरहम करके हुसैनी अपने आप को कहलाते हैं कि हम उस दौर में होते तो हम इमाम अली मकाम का साथ देते, बेशक। तो वही इलामा इकबाल ने इशारा किया। तो ये है कि इस शहादत को मकाम क्यों मिला, मैं उस पॉइंट की तरफ आता हूँ। इस शहादत को मकाम इसलिए मिला कि शहादत का जब वक्त आया तो अलैहिस्सलाम सुबह से लेकर शाम तक खुद वहां मौजूद थे, रूहानी तौर पर, रूहानी तौर पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद वहां मौजूद थे। और एक ख्वाब अलैहिस्सलाम ने देखा, बल्कि एक फतुल बारी में इमाम बारी अपनी फतुल बारी किताब के अंदर लिखते हैं कि अबू हुरैरा से एक हदीस पाक है मरवी, आप कहते हैं कि मैंने दो, अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने दो किस्म का इल्म हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सीखा, एक तो लोगों वो इल्म है जो मैं तुम्हें बता दिया करता हूँ, लेकिन दूसरा इल्म इल्म खास है, वो महारे के सामने बयान नहीं करता, वो हवास के सामने बयान करता हूँ, हवास के सामने। तो फिर जब हवास थे तो वो पूछा करते थे कि हमें कुछ बताएं उस इल्म में से, वो कौन सा इल्म है कि जो हुजूर पाक ने फरमाया कि अगर मैं वो, अबू हुरैरा कहते हैं अगर मैं वो बता दूं तो तुम मेरी गर्दन कलम कर दो, बेशक। तो उन्होंने कहा कि उस इल्म खास पे किसी ने जब बहुत कुरेदा तो आपने कहा कि सन 60 हिजरी से हजूर पनाह मांगते थे, और मैं भी जब ये सुन लिया तो मैं भी ये दुआएं करता था, वो गलियों में बाजारों में चलते अबू हुरैरा, तो कहते मौला मुझे सन 60 हिजरी से पहले इस जमीन से उठा लेना, मुझे सन 60 हिजरी से पहले इस सर जमीन से उठा लेना, ये दुआ करते थे अक्सर अबू हुरैरा, और फिर उनकी ये दुआ कबूल हुई और 59 हिजरी में आप यानी दुनिया से चले गए और अब अल्लाह को प्यारे हो, सही। ये दुआ अल्लाह ने आपकी कबूल भी फरमाई, तो आप अंदाजा कर लें उन्हें पता था कि ये जमाना आने वाला है, ये उम्मत मेरी, ये मेरे बच्चों को शहीद कर देगी, कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आगे बात करता हूँ। सही। अच्छा, इसमें इस वाक़े में अगर हम देखें तो 18 साल के अली अकबर से लेकर 6 माह के अली असगर तक को शहीद कर दिया गया, तो इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि एक माँ अपनी औलाद की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन बीबियाँ अपने बच्चों को ये तरगीब दे रही थीं, ये नसीहत कर रही थीं, ये वसीयत कर रही थीं कि कल करबला के मैदान में आले मोहम्मद के कुर्बानी का दिन है, लिहाजा पीठ ना दिखाना, अली की बेटियों के सामने शर्मिंदा ना करना, इस हवाले से बताइएगा। जैसे मैंने इब्तिदाया में अर्ज़ किया कि चूँकि इस घराने की तरबियत करने वाले सरकार अलैहिस्सलाम खुद हैं, जब ताइदा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तरबियत फरमाई इनकी, तो फिर एक एक बच्चे की और आगे बच्चों की जब तरबियत फरमाई, उन्होंने फिर आगे अपने बच्चों की तरबियत की, तो फिर वो
ये जो आप बात कह रही हैं कि उन बच्चों को भी उन्होंने ऐसा ऐसा मुजाहिद बना दिया कि उनके अंदर जज्बा ईमानी कूट कूट के बड़ा हुआ था, जो उनकी गुफ्तगु भी सुन लेता था वो भी चार्ज हो जाता था। ऐसी हस्तियां थी वो। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आखिर सल्लल्लाहु ने एक ख्वाब देखा, उस ख्वाब का जिक्र इमाम तिर्मिज़ी ने अपनी किताब में भी किया है। वो फरमाते हैं कि आकर सल्लल्लाहु ने एक ख्वाब देखा, जब ख्वाब आप देखा तो आप देखा कुछ नौजवान छोकरे लौंडे छोटी उम्रों के वो मेरे तख्त पर मिंबर पर आके बैठ गए हैं और वो आके तरह तरह के नाच गाना और तमाशे कर रहे हैं। तो कहते जब मैं उठा तो मैं परेशान हो गया, आकर सल्लल्लाहु ने फरमाया मैं परेशान हो गया। तो उसी वक्त सूरह कौसर नाजिल हुई और सूरह लैलतुल कद्र नाजिल हुई। सही। जब सूरह कौसर नाजिल हुई तो उसमें तो साफ वाज़े मज़मून है कि महबूब हमने आपको कौसर अता फरमाई और चूंकि आपका दुश्मन ही बेनस्ल और बेनिशान होगा। उसमें लोग आपको तरह तरह के तकलीफ़ें देते थे। मैंने जैसे अर्ज़ किया कि हुजूर पाक को बहुत सताया गया, तो जो जो तकलीफ़ें हुजूर पाक को दी जाती रहीं अल्लाह तबारक व ताला भी उसी तरह का इंतजाम फरमा कर सूरत कुरान पाक की उतार के अपने हबीब को हौसला दिया करते थे। बेशक देखे हुजूर पाक की शान भी देखे, इधर हुजूर को तकलीफ पहुँचाते उधर वहाँ से कोई ना कोई आयत उतर जाती आसमान से। तो उसके बाद ये सूरह लैलतुल कद्र उतरी। इस लैलतुल कद्र के अंदर इन्ना अनज़लना हू फी लैलतुल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो कि ये रात क्या है। और हजरत कासम रवायत करते हैं कि हमने ये देखा कि एक रात हजार महीनों से अफजल है। ये कुरान पाक में फरमाया गया है सूरह के बारे में। इसको फिर तमसीलन तमसीलन समझाने के लिए हजरत कासम रवायत करते हैं कि उन्होंने उस दौर में फरमाया कि वो जो एक रात वो रात अशूरा की रात जिस रात पाक बीबी बीबी जैनब और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो इबादत में मसरूफ हैं, मुनाजात में मसरूफ हैं, अल्लाह से हम कलाम में मसरूफ हैं और इबादात में मसरूफ हैं, वो रात हजार महीनों से अफजल है। कौन से हजार महीने? बनु उमैया की जो हुकूमत थी उनकी, इन्हीं की बनु उमैया के जो छोकरे और लौंडों की जो हुकूमत थी उसको जब टोटल किया गया तो वो हजार महीने बनते। तो तमसीलन ये फरमाया तमसीलन कि वो उनके हजार महीने एक तरफ और इधर अशूरा की एक रात एक तरफ। ये है मकाम आले पाक की और इमाम याली मकाम की और पाक बीबी सईदा जैनब की उस अशूरा की रात इबादत करना, अल्लाह की हाँ मुनाजात करना, अल्लाह को रो रो के मनाना। और आज भी हमारे लिए लेसन भी यही है कि हम भी इन अय्याम को अदब और एहतराम के साथ मनाएं और अपनी खोई हुई मता जो लुट चुकी है इस दौर के अंदर हम वापस अपने ईमान की दौलत को फिर से हम लौटाएं और ईमान को अपने हिजबे जान बनाएं और बातनी और ज़ाहरी तौर पर हम एक हो जाएं। बेशक बेशक। और इसकी बड़ी जरूरत है इस दौर के अंदर। इस दौर के अंदर बेशक। अलामा कलीम अहमद शाह साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है लेकिन वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन वक्फे के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लामा कलीम अहमद शाह साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अल्लामा साहब ये बताइएगा कि इब्ने मुलजिम ने जब हज़रत इमाम अली पर तलवार चलाई उन्हें शहीद किया, तो चूँकि हम ये बात कर रहे हैं कि करबला के मैदान में उन बच्चों में ऐसी हिम्मत और जुर्रत किस तरह से आई, तो हम उनकी बुनियाद के हवाले से बात कर रहे हैं। तो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को इमाम अली ने उस वक्त ऐसी क्या नसीहत फरमाई जो आगे चलकर उनके बच्चों में भी वही चीज़ आई? अल्लाह अकबर, बहुत प्यारा आपने सवाल किया। और मौला अली शेर खुदा करबला वजुल करीब जिस तरह बचपन से ही आकर सलाम के साथ आप रहे, जब ही पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप बचपन से ही आपके हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, तो इनकी जो मामलात थे वो भी बिल्कुल आउटस्टैंडिंग आपकी तरबियत थी। सुभान अल्लाह,
मौला अली शेर खुदा तो एक अजीम जर्नैल जिन्हें कहें, इस तरह का आपका मामला था। तो जब आपको शहीद किया गया, जब आपका वक्त आया, इब्ने मुल्जम ने जब आप पे हमला किया, उस वक्त उस मौके पर जो आपने नसीहतें फरमाई, बड़ी ईमान अफरोज नसीहतें हैं, तकरीबन वो 6 नसीहतें आपने फरमाई थी। उसमें से सबसे पहले अपने हसन बेटे को आपने कहा कि मेरे बेटे अल्लाह से डरते रहना। बेशक अल्लाह अकबर, आपको पता है कि मैं जाहिरन दुनिया से जा रहा हूं। बेशक तो आप जाते हुए जो कलमात कह रहे हैं कि मेरे बेटे अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह का तकवा अख्तियार करना, अल्लाह का तकवा अख्तियार करना, ये पहले पॉइंट पे आपने फरमाया। फिर दूसरे पॉइंट पे आपने फरमाया, नसीहत फरमाई कि रसूल पाक से अपनी इत्तिबा को मजबूत रखना। बेशक अल्लाह, और उनकी मोहब्बत को, हुजूर पाक की मोहब्बत को अपनी हिज्जे जान बना के रखना। सुभान अल्लाह। और तीसरे नंबर पे आपने फरमाया, आपस में ताल्लुकात दुरुस्त रखना। बेशक, ये ना हो कि सारी सारी रात नफल पढ़ते रहें और सारी जिंदगी नफली रोजे रखते रहें। इससे कहीं बेहतर है कि दिल किसी का ना तोड़े। बेशक, इससे कहीं बेहतर है किसी का दिल ना तोड़े और किसी का नुकसान ना करे। ये नसीहतें आपने अपने बेटे हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को बयान की। और चौथे पॉइंट पे आपने फरमाया कि बाहमी ताल्लुकात आपस में दुरुस्त रखना। अब देखिए, ये सारे हुकूकुल इबाद में चीजें आ रही है जिसमें हम बहुत गाफिल हैं। हम, अल्लाह ताला हमें इन्हीं बातों से खुद भी नसीहत लेने और उम्मत तक ये पैगाम पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह आपका चैनल ये पहुंचा भी रहा है, आपके तवसुल से ये पैगाम जा भी रहा है कि बाहमी ताल्लुकात दुरुस्त रखना, यतीमों का ख्याल रखना, ऐसा ना हो तुम्हारे होते हुए यतीम भूखे रह जाए। वही बात जो हम सईदना पिछले प्रोग्राम में हम सईदना उम्र फारूक के हवाले से वो अंडिया वाला वाक्या अर्ज कर रहे थे, तो यहां भी वही बात कि ये ना हो कि यतीम तुम्हारे होते हुए यतीम भूखे रह जाएं। फिर पांचवें पॉइंट पे आपने फरमाया, अपनी राहत लोगों पर खर्च करना। बेशक, सुभान अल्लाह। और पड़ोसी का ख्याल रखना, अपने आप को तकलीफ में रखकर अगले को फायदा पहुंचाना और पड़ोसियों का ख्याल करना, किसी को नजरअंदाज ना करना। ये बहुत कमी हमारे अंदर पाई जाती है, अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और इंसानों को आपस में जोड़ना सही, और नेकी का हुक्म करना और बुराई से मना करना। बिल्कुल, अमल बिन मारूफ और नहीं नहीं मुनकर, आप ये फरमा रहे हैं। अगर तुम नेकी से रुक गए तो क्या होगा, जालिम लोग तुम पर मुसल्लत कर दिए जाएं। बेशक बेशक, अल्लाहू अकबर। ये पूरी कौम सुने पैगाम कि अगर तुम नेकी से रुक गए तो फिर क्या होगा, अमल बिन मारूफ नहीं नहीं मुनकर से अगर इंसान रुक जाए तो दोस्तों फिर क्या होता है, मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह वजल करीम की नसीहत सुने और इमाम हसन मुज्तबा को वो कह रहे हैं, अगर तुम नेकी से रुक गए तो क्या होगा, जालिम लोग तुम पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। बेशक, बद किरदार लोग तुम पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। सही, मेरे बेटे हसन, मेरे शहजादे, इस पे गौर करो और इस पे अमल करना, इन बातों पर अमल करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी दुआ करो और दुआ तुम्हारी कबूल ना हो। बेशक बेशक, और ऐसा वक्त आ जाता है। अल्लामा कलीम अहमद शाह साहब, ये बताइएगा कि बीबी फिजा का वाकया उस हवाले से बहुत मशहूर है कि जब असर आशूर का वक्त गुजर चुका, बीबी फिजा ने एक ख्वाब सा देखा या कुछ इस तरह का कोई वाकया था, तो इस हवाले से बयान कीजिएगा बीबी फिजा का क्या वाकया था जो बड़ा मशहूर है। बीबी फिजा के हवाले से बहुत से वाकयात हैं, लेकिन एक हजरत इब्राहिम बिन अधम, एक बहुत बड़े वलीउल्लाह हो गुजरे तारीख में, दुनिया जानती है, नाम से वाकिफ है, वो फरमाते हैं कि मैं हज पे जाने लगा, तो जैसे मैं हज पे जाने लगा तो हुआ ये कि एक बुढ़िया माई, देखा बहुत ज़ईफ़ा है, तो वो कहती है हमने भी साथ जाना है, तो हमने कहा आप बहुत ज़ईफ़ हैं, आप रुक जाएं, रास्ता बड़ा तवील है, आपको तकलीफ़ होगी।
तो वो थोड़ी सी हफा हुई, तो साइड पे हुई, तो आप कहते हैं मैं देखता रहा कि साइड पे गई हैं, उन्होंने कुछ इस तरह करके हाथ उठाए, दुआ की, गायब से एक ऊँट आ गया। सुभान अल्लाह। आप ऊँट पे सवार हुई तो चलते चलते देखते देखते ऊँट गायब हो गया। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब मैं मक्का पहुँचा तो वहाँ तवाफ़ कर रहा था, तो वो बुढ़िया माई को मैंने वहाँ देखा, तो मैं हैरान रह गया कि ये हमसे भी पहले वहाँ पहुँची हुई। तो जब मैं उनके करीब गया तो मैंने उनसे पूछा, बीबी जान आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम फिज़ा है। फरमाया आप फिज़ा हैं, सईदा कायनात बीबी जान की खादिमा? फरमाया हाँ मैं वही फिज़ा हूँ। तो फरमाया आप तो मुझे नहीं लेके आए ना, तो हमने उनके पास रह कर ये दुआएं सीखी हुई हैं, हम उन्हीं का वसीला और वास्ता देते हैं और हमारे काम हो जाते हैं। ये बीबी फिज़ा का मकाम था। आप अंदाज़ा करें जिस बीबी का ये हाल है, एक खादमा का ये हाल है, खादमा ने जिसे तरबियत पाई, उसका ये आलम कि वो दुआ करें और उनके गैब से काम हो जाए, तो उन हस्तियों का अपना आलम क्या होगा? उन हस्तियों का अल्लाह की बारगाह में मकाम और मर्तबा और करामात और दुआ, अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत का आलम क्या होगा? बेशक लोग तो अमामे अली मकाम के मकाम को नहीं समझ पाए। शाह मोहम्मद गौस गवालियारी एक बुजुर्ग गुजरे बेटे, ये लाहौर में इनका मज़ार है। ये हिंदुओं ने कहा कि परेशान किया कि इनको यहाँ से निकालें, वो जब निकालने लगे ना उनको, तो वो सब्र से बैठे रहे, कुछ नहीं किया। जब सबको निकाल दिया गया तो वो जो सिपाही थे वो डाकू बन गए। उनको ने कहा बादशाह तो इनसे नाराज़ है, इनको लूट लो। जब लूटने लगे तो इनकी नवासी घोड़े के पीछे बैठी हुई थी सोने की बालियां पहन के, तो इन्होंने क्या किया डाकू ने कि आके बालियां जोर से खींची तो वो कान से खून निकला, फवारा निकला। तो आपके हाथ में छांटा था, आप सब्र से बैठे रहे, जब देखा ना नवासी के रोना और चीख बर्दाश्त नहीं कर सके तो आपने छांटा घुमाया, 500 उस वक्त सिपाही थे, अब तो वो डाकू बन चुके थे ना बिल्कुल, उन्होंने छांटा हाथ से छोड़ा, उसी वक्त 500 की गर्दनें उतर गई। लेकिन मकामी जो रजा है उससे नीचे आ गए। इमाम अली मकाम को देखे करबला के अंदर 72 तन जबा करवा दिए, मगर अल्लाह की बारगाह में न दुआ की ना कोई करामत दिखाई। असल उनका मकाम इस्तकामत था। बेशक बेशक। आपका करामत आप चाहते, करामते तो इमाम अली मकाम के आगे हाथ जोड़ के खड़ी होती होगी। ये हमारा ईमान है कि करामते तो इमाम अली मकाम के आगे हाथ जोड़ जोड़ के मिनते तरले करती होंगी कि आका आप इजाजत दें यहां से एक 30,000 के बंदों में से एक बंदा भी बच के ना जाए। बेशक। वो जिन्नों का सरदार भी आया था, उसने भी आके कहा था हजूर आप इजाजत दे। फरमाया नहीं, मुझे पता है तुम मार लोगे सबको, मगर ये मेरे नाना ने मुझे ये तालीम नहीं दी, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम मार लोगे तुम नजर नहीं आओगे, और वो कल नाना को क्या चेहरा दिखाऊंगा। तो ये करबला के वाकयात इतने दिल हिला देने वाले वाकयात हैं कि इंसान आम बंदे के बस की बात ही नहीं है। ये तो अल्लाह ताला की खास अता थी उन हस्तियों के ऊपर, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक उनको चुसाई थी, अपना लुआब दहन उनको अता फरमा रखा था, जिस वजह से उनका ये मकाम और मर्तबा था कि वो इस्तकामत आपकी सबसे बड़ी करामत थी। ये मकाम थे पाक बीबियों के भी और इन पाक हस्तियों के भी। अल्लाह तबारक व तआला इस दौर के अंदर भी हमें तालीमात इमाम अली मकाम सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए, और वो जुर्रत अता फरमाए, और वो मैदानों के अंदर खड़ा रहना, अमल बिन मारूफ और नहीं नहीं मुनकर करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जो कुछ भी कहा इसे कबूल फरमाए। वाखर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बेशक अगर हम वाकई करबला पर एक नज़र डालें तो हमें ये पता चलता है कि जिस घर से पर्दे का हुक्म दिया गया, कुरान के अगर हम जायज़ा लें तो सूरह अहज़ाब में हमें ये सबक मिलता है कि ए नबी अपनी बीबियों और बेटियों से कह दीजिए कि जब वो घर से बाहर निकले तो अपनी चादर का कुछ हिस्सा अपने मुंह पर ढांप लें, इससे उनकी पहचान हो जाएगी कि वो मोमिना औरतें हैं। लेकिन करबला के मैदान से सफ़र शाम तक, जब वाक़ करबला का अख्ताम हुआ, जब असर आशूर का वक्त
अपने अख्ताम को पहुंचा तो बीबियों के सर से चादरें छीन ली गई, आग से खेमे जले, सर से चादर भी छीनी, दश्त में तन्हा सकीना तेरी रोती रही, तोख में बांधा गया तेरे आबिद का गला, तेरी मजलूम बहन मेरी दाशाम चली। जिस घर से पर्दे का हुक्म दिया गया, जिस घर से मोमिना औरतों के लिए इज्जत और असमत की एक पहचान दी गई, उसी घर की खवातीन को बेपर्दा किया गया, सरों से चादरें छीन ली गई, खेमों को आग लगा दी गई, 6 माह के अली असगर को शहीद कर दिया गया, 18 साल के करियल नौजवान को शहीद कर दिया गया, 13 साल कासिम को शहीद कर दिया गया, ओन मोहम्मद को शहीद कर दिया गया, आले रसूल को शहीद कर दिया गया। लेकिन आले रसूल की कुर्बानी तक क़यामत याद की जाएगी, क्योंकि ये आले मोहम्मद की कुर्बानी दीन के लिए थी, राह हक के लिए थी। अगर वो चाहते तो उनके लिए मौजज़े पर मौजज़ा हो सकता था, लेकिन हमारे प्यारे नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्योंकि अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ता क़यामत उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, ला नबी बादी, वो आखिरी नबी हैं, ख़त्म नबूवत तमाम हुई उन पर, और उनके दीन को क़यामत तक बचाने का सहरा अगर किसी के सर जाता है तो वो इमाम आली मकाम है, उनका घराना है, आले मोहम्मद की कुर्बानी है, एसार है, जज्ब शहादत है, जिसकी नज़ीर हमें तारीख में कहीं नहीं मिलती और ना ही मिल सकती है। आज इस्लाम उन्हीं की वजह से ज़िंदा है। पिछले कई दिन हमने देखे जिसमें जितनी भी दीनी कुतुब थी, इल्हामी कुतुब थी, उनमें तब्दीली कर दी गई। वाहिद कुरान मजीद फुरकान हमीद वो वाहिद किताब है जिसमें ता क़यामत तक कोई तब्दीली नहीं की जा सकती, क्योंकि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत, उनके घराने की शहादत की वजह से ही आज हमारा दीन ज़िंदा है, हमारा ईमान ज़िंदा है, हमारा कुरान सही सलामत है, जो कि क़यामत तक रहेगा इंशाल्लाह, और जो क़यामत तक हमारे लिए मशअल राह है। उनकी शहादत, उनकी कुर्बानी और उनका एहसार हमारे लिए एक सबक है कि हमें हक के सामने डट जाना चाहिए और बातिल को खैरबाद कर देना चाहिए। करबला की जंग हक और बातिल की जंग थी, करबला की जंग राह खुदा में शहीद होने की जंग थी। करबला हमें एक ऐसा सबक देता है कि ता क़यामत तक हम हमारे प्यारे नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन पर चलें, उनके अहकामात पर अमल करें, कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारें, उनके हसवा हुस्ना पर चलें। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि हम उम्मत मुहम्मदी हैं, वो उम्मत मुहम्मदी कि जिनके लिए हमारे प्यारे नबी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोया करते थे कि मेरी उम्मत को बख्श देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की बख्शिश फरमाए और हमें उम्मत मुस्लिमा को हमारे प्यारे नबी अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करने की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं अलामा साहब से गुजारिश करूँगी कि दो अशार जो हैं मंकबत के, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नज़र करें और फिर हम प्रोग्राम का बाकायदा अख्तिताम करेंगे। जी, मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल हैदर की इस में जान है, खूने बतूल है, गुजरा जहाँ जहाँ से नवासा रसूल का, अब तक वहाँ खुदा के करम का नुज़ूल है। मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, और ऐसी अजीम ज़ात है मौला हुसैन की, जिसके लिए हुजूर के
سجدوں میں طول سبحان ہے اللہ عجز کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے اور جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے ارے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے ارے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے. سبحان اللہ, بہت ہی پیارا کلام پیش کیا. اور ناظرین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام دین سے دنیا تک کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ میمن کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.